नमस्कार दोस्तों, आपको और आपकी फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली मेरी तरफ से आप सबको। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक सैमसंग का मॉडल है, जो कि A536B मॉडल है, और जो है हमारे पास डेड कंडीशन के अंदर आया था। और जो बंदा लेके आया था उसने बताया कि उसने EMMC, CPU और इसका प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। फोन जो है वो 240 के आसपास जो है वो स्टक हो रहा था, और उसके बाद जो रीडिंग जो है वो वहीं पे रुक जाती थी, ना आगे बढ़ती थी ना वो डाउन होती थी। और अगर उसको 6 वॉट चार्जर के अंदर हम लगाएं तो ये 0.2 एम्पियर कंज्यूम करता था। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर हमको जो इसकी EMC या UFS उस पर ही हमको डाउट लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम CPU चेक कर सकते हैं, तो इतने में ही हमको ज़्यादातर जो है वो फोल्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन ये फोल्ड जो है वो थोड़ा अलग था, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो जो है वो आपको बना के मैं दूँ, ताकि आप लोगों को कुछ उसमें गाइडेंस मिल जाए। दूसरी बात के दोस्तों, हमारी जो नेपाल की ब्रांच है वो 2 अप्रैल से हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और आपको अगर इसी तरह का पूरा नॉलेज चाहिए, यानी कि एक एक IC की एक एक पिन कैसे काम करती है, ये पूरा डिटेल अगर आपको जानना है, तो आप एक्सपर्ट मोबाइल सॉल्यूशन, जो कि हमारी नेपाल में ब्रांच है, वहाँ पे आप आ सकते हो। और उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब मैं डाल दे रहा हूँ दोस्तों। उसमें आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा, जिसमें हमारे वीडियोस का जो कंटेंट्स है, हमारे जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है, हमारे जो ब्लॉक डायग्राम्स जो हमने खुद से बनाए हैं, और IC का GR वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो आप देख लीजिएगा उसको, और नंबर वगैरह मैं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप नेपाल से हैं और आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, नेपाल के जो मेरे टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए खुशखबरी है। एक्चुअल में नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनकी इंक्वायरीज मेरे पास आती है कि सर आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आना है, लेकिन इंडिया बहुत ही दूर पड़ जाता है, लोगों को खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनका एक सॉल्यूशन निकाला है हम लोग ने। हमारा एक जो ब्रांच है, हम लोग कोलोब्रेशन कर रहे हैं एक्सपर्ट मोबाइल सॉल्यूशन करके है, और जो काठमांडू के अंदर है, जहाँ पे आपको जो कोर्स का कंटेंट्स है वो मोबिटेक का ही रहेगा। मतलब पूरा का पूरा जो मोबिटेक का थियरी है, प्रैक्टिकल है, ये सारा का सारा आपको वहाँ पे मिलेगा। प्लस आपको मोबाइल का एप्लीकेशन भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको जितने भी हमारे कंटेंट्स है, जैसे वीडियो हो गए या हार्डवेयर सॉल्यूशन हो गया या IC का डाटा शीट हो गया, जितनी भी चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर है वो सारी की सारी आपको मिलेगी। सेम तरीके से वहाँ पे भी पढ़ाई होगी, सेम कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, सेम कंटेंट्स रहेगा। एक्सपर्ट मोबाइल सॉल्यूशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, जो आपको इंडिया मोबिटेक के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसका एड्रेस वगैरह जो है वो मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, तो एड्रेस नंबर और फ़ोन नंबर दोनों यहाँ पे रहेगा, जिस पे कॉल करके आप अपनी सीट जो है उसको बुक करा सकते हैं। 2 अप्रैल को मैं आ रहा हूँ नेपाल के अंदर, मिलते हैं नेपाल के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये मॉडल है A536, और इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया कि ये डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम इसमें चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं कि ये क्या रीडिंग शो कर रहा है। तो चार्जर आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, देखिए ये 0.2 जो है वो कंज्यूम कर रहा है। हम दोबारा से चार्जर को कनेक्ट करते हैं, दोबारा से देखते हैं 0.2, ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। अब हम इसको DC मशीन से कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या जो कंज्यूम कर सकता है और कितना आगे बढ़ता है। तो DC मशीन पे हमने मोबाइल को सेट कर दिया है। अब हम इसका अभी कोई ऑटो कंज्यूम तो कुछ नहीं हो रही है इसमें, यानी कि शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये 239 के आसपास गया, ये 240 के आसपास जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ रहा है। हम इसको एक बार और डिसकनेक्ट करते हैं और वापस से इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रीडिंग ले रहा है। वापस हमने पावर की प्रेस की, वही 240 तक जाता है, 241 तक गया, बस वही 240 के आसपास रहता है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करता है। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे रिपेयर हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा जो सेट है A536B, ये सैमसंग का एक मॉडल है, और जिसके अंदर हमने देखा कि ये 6 पोर्ट USB चार्जर पे जब हम इसको देखते हैं तो ये 0.2 वोल्टेज ले रहा है, और अगर DC मशीन से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये 240 के आसपास हो के स्टक हो जा रहा है, यानी कि उससे बात रीडिंग जो है वो ना आगे बढ़ रही है
डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आने की वजह क्या है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई जैसे भी हमारी रीडिंग जो है वो स्टक हो गई, यानी कि हमारा पावर होल्ड जो है वो बन गया, और उसके बाद का जो फॉल्ट होता है वो ज़्यादातर EMMC या UFS से हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी एंड्रॉयड सेट है तो उसके अंदर जब ये रीडिंग स्टक हो जाती है तो सबसे पहला डाउट हमें UFS पे आता है कि अगर हमारी UFS या EMMC जो भी लगी है वो अगर खराब रहेगी तो हमारा फोन जो है वो स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इसमें फॉल्ट आने की। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि इसका जो EMMC या UFS कोई भी फोन के अंदर, इसलिए मैं दोनों बोल रहा हूँ, हालांकि इसमें UFS लगी हुई है लेकिन चाहे वो फोन के अंदर EMMC लगी है या UFS लगी है, उसके अंदर सबसे पहले हमें जब रीडिंग इस तरह की हमें स्टक मिलती है तो पहले हमें CPU पे डाउट नहीं करना है। पहला डाउट जो हमें करना है वो EMMC या UFS पे करना है, और उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमारी रीडिंग जो है वो स्टक हो जाने की वजह क्या है, तो उसकी वजह यह है कि CPU जो है उसको सारी सप्लाई पावर IC से मिल जाती है, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको वर्क करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी वोल्टेज जो है वो CPU को जब मिल जाती है तो CPU जो है वो अपना पावर होल्ड बनाता है और वो RAM और EMMC या UFS जो भी लगा हो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और जब वो कनेक्ट नहीं कर पाता है तो वो उसी रीडिंग पे अटका रहता है, यानी कि स्टक हो जाता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हमारा निकलता है वो EMMC और UFS से निकलता है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो सबसे पहली चीज़ ये है इसमें कि आपकी EMMC या UFS जो भी लगी है उसकी सबसे पहले तो उसके जो वोल्टेज है, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि जितने वोल्टेज EMMC या UFS को मिलने चाहिए वो अगर सारे वोल्टेज मिल रहे हैं तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो हमें पहले वोल्टेज को करेक्ट करना है, ठीक है। और कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इस कंपोनेंट पे जहाँ पे वोल्टेज आ रहे होते हैं वहाँ पे हम वोल्टेज को चेक नहीं करते बल्कि उनका GR ले लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये GR से ओके है तो मतलब इसका वोल्टेज भी हमें मिल रहा है, लेकिन कई बार इसमें गलती हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है वो आगे मैं आपको एक एनिमेशन में दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, सारे वोल्टेज जो है वो EMMC या UFS को मिलने चाहिए। वो मिलने के बाद हमारा सेकंड स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि इसको हमें सॉफ्टवेयरली चेक करना है, यानी कि कोई भी बॉक्स के अंदर हमें EMMC या UFS को कनेक्ट करना है, उसकी हेल्थ वगैरह सही है या नहीं, उसका सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वो सही है या नहीं, और तीसरी चीज उसका पार्टीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन चीज़ें जो है वो हमें कन्फर्म करनी होती है। अगर इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो तो हमें सेकंड स्टेप जो है वो सॉफ्टवेयरली लेना है, यानी कि उसको सॉफ्टवेयरली हमें देख लेना है, ठीक है। उसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है कि अगर ये सब कुछ ओके है फिर भी आपका फोन जो है वो स्टक रह रहा है तो कंडीशन ये हो सकती है कि CPU और EMMC के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन की लाइनें हैं अगर उसमें से कोई लाइन शॉर्ट या ओपन है तो CPU जो है वो EMMC या UFS को फाइंड नहीं कर पाएगा और ऐसी कंडीशन में वो स्टक हो जाएगा। तो ये हमारी चौथी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये फोन जो आया है वो बंदे ने मेरे को बताया कि भाई वो ऑलरेडी EMMC UFS, यानी कि जो इसमें UFS लगी है उस UFS की प्रोग्रामिंग वगैरह वो चेक कर चुका है, वो सब सही है। CPU को वो भी वो रिवॉल्व कर चुका है, UFS को भी रिवॉल्व कर चुका है, और यहाँ तक कि उसने UFS के GR वगैरह भी ले लिए हैं और ये सारे GR ओके है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉसिबिलिटीज है वो मुझे कम लग रही है। ज़्यादातर जो इसमें प्रॉब्लम है वो या तो इसकी पावर की लाइनों से, यानी कि जो इसके वोल्टेज की लाइन है उसी से पहला तो हमें डाउट इसका सॉल्व करना जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो आ रहे हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये UME 5000 जो लिखा हुआ है पार्ट है, ये पार्ट जो है ये इसका UFS है, और इसके अंदर हम देखें तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी लाइनें यहाँ पे ग्राउंड की है। इस साइड पे हम देख लेते हैं तो ये सारी की सारी लाइनें जो है वो CPU से कनेक्टेड है, और इधर की लाइनें हम देखें तो यहाँ पे भी जितनी भी लाइनें हैं वो सारी CPU से कनेक्टेड है, और ऊपर जो दिए गए हैं वो सारे के सारे वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो ये सारा जो हमें डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम के अंदर ये जितनी भी लाइन है ये वोल्टेज की है। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे जो कि यहाँ पे VDD
L24S UFS 2.95 वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है ये इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो पहले ये वोल्टेज मिलता है कि नहीं उसको हम चेक कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप हम आगे देखते हैं। दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये वोल्टेज जो यहाँ पे मिल रहा है उसके अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये लाइन जो है यहाँ पे तीन डॉट पे जा रही है, यानी कि तीन जगह पे ये लाइन जो है वो जा रही है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक UFS को बना लेते हैं। UFS की कितनी पिनें होती है ये आपके सामने है पिक्चर, और मैंने आपको जो GR का बोला वो इस वजह से बोला क्योंकि हम कई बार GR में गलती कर जाते हैं। वो जो विज़न है वो आपका अभी ये जब इमेज पूरी में समझा दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो NC है, यानी कि इसका कंपनी ने यूज़ नहीं किया है। दोस्तों मैंने सिर्फ वही कंपोनेंट यहाँ पे लिए है कि जो UFS के बिल्कुल बगल में लगे हैं, बाकी कंपोनेंट तो इसमें है लेकिन वो पावर IC के आसपास हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम अभी फिलहाल नहीं चेक करना है। पहले हम UFS के आसपास जितने कंपोनेंट लगे हैं, क्योंकि सारी लाइनें जब UFS में आती है तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे कंपोनेंट लगा होता है, तो उसी को हम चेक करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें 2.95 वोल्टेज जो है वो मिलना जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी तो ये 2.95 वोल्टेज के बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी वो है यहाँ पे VDD L27M UFS 1.8 वोल्टेज, जो यहाँ पे तीन कैप लगे हुए हैं और ये लाइन जो है यहाँ पे तीन डॉट पे जा रही है, यानी कि तीन पिन पे ये लाइन जो है वो जा रही है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं और फिर देखते हैं। तो ये हो गई हमारी VDD L27M UFS 1.8, इसमें भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे NC छोड़ा हुआ है, और ये लाइन जो है मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीन डॉट पे जा रही है, तो ये तीन डॉट चार डॉट पे है, सॉरी ये चार डॉट पे जा रही है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं आगे, ये चार डॉट है, एक दो तीन चार, ठीक है। और फिर उसके बाद की जो सप्लाई है VDD 1.8 AP है, जो यहाँ पे चार कैपेसिटर लगा है और ये लाइन जो है ये काफ़ी सारी पिनों पे जा रही है, ये भी 1.8 वोल्टेज ही है। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये लाइन कहाँ कहाँ पे जाती है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है VDD 1.8 AP वाली सप्लाई, जो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये लाइन जो है ये कितने डॉट पे जा रही है हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारे डॉट पे जा रही है, तो इसको वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि कितनी जगह पे जा रही है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे ये वाली सप्लाई जो है ये EMMC के चारों कोनों में जा रही है, यानी कि हर जगह पे ये लाइन जो है वो जा रही है। और अगर इस कंपोनेंट पे हम GR लेंगे, अगर इसमें से एक आध जगह पे अगर लाइन नहीं भी जा रही है तो भी हमें GR प्रॉपर मिलेगा। तो सिर्फ GR से हमारा काम नहीं हो सकता है। ये इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एनिमेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि ये लाइन जो है वो कहाँ कहाँ पे जा रही होती है ये आपको पता चले। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लाइन जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी VDD 1.8 वोल्टेज की लाइन। उसके बाद ये वाली जो लाइन है हमारी VDD 2 P4M TRAM वोल्टेज, और ये वाली जो है इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं और ये काफ़ी सारी जगहों पर जा रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों जनरली 1.1 या 1.2 की लाइन होती है जो UFS में जा रही होती है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये वोल्टेज का नाम है VDD2, तो उसको हम देख लेते हैं VDD2 वाली हमारी जो लाइन है वो कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो इसमें भी एक कैपेसिटर हमने लिया है जो UFS के बगल में लगा हुआ है, और फिर ये लाइन जो है वो दो डॉट में यहाँ पे गई, उसके बाद यहाँ पे गई। देखिए ये लाइन जो है वो कांस्टेंट अलग अलग जगह पे जा रही है। तो दोस्तों देखा आपने ये वाली जो लाइन है वो UFS के अंदर कितनी अलग अलग जगहों पे जा रही है। ठीक है, उसके बाद की लाइन जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए ये वाली लाइन हमने देख ली, इसके बाद जो लाइन है वो है VDD Q D6M DRAM 0.6 वोल्टेज, और ये लाइन जो है ये एक्चुअल में UFS में दो जगह सेंटर हो रही है, एक तो यहाँ सेंटर हो रही है और अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये यहाँ से भी VDD Q D6M DRAM 0.6 वोल्टेज, ये 0.6 वोल्टेज की लाइन सेम है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और इसमें कई बार कैसा होता है कि हमने
पर्टिकुलर सपोज एक जगह पे हमने चेक कर लिया और एक जो यहाँ पे दो रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे भी लाइन जा रही है, अगर इसको हम चेक नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हम फॉल्ट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें स्कैमेटिक से समझनी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि ये लाइन जो है वो कितनी जगह पे जा रही होती है और हर जगह पे इसका मिलना जरूरी है। अगर कोई एक जगह पे भी नहीं मिलेगी तो उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लाइन जो है यहाँ पे भी जा रही है और ये लाइन यहाँ पे भी जा रही है। अभी हम इसको एनिमेशन में देख लेते हैं कि ये कितने बॉल पे जा रही है। ये हालांकि काफी सारी पिनों पे जा रही है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर लगा है और ये जो है पिंक कलर की लाइन जो है वो देख लीजिए आप कि कितने कितने डॉट पे यहाँ से जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये इतनी जगह पे गई है। अब दूसरी लाइन को हम देख लेते हैं जिसमें दो रजिस्टर लगे हुए हैं और ये लाइन जो है ये दो रजिस्टर में से पास होके ये लाइन जो है वो यहाँ पे दो जगह पे जा रही है। तो कहने का मतलब है टोटल यूएफएस के अंदर इतनी लाइनें जो है वो जा रही है जो कि सारी की सारी वोल्टेज की लाइनें हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे वोल्टेज जो है वो हमें मिलना जरूरी है। अगर ये वोल्टेज कहीं एक जगह भी नहीं पहुंचे तो ऐसी कंडीशन में हमारा यूएफएस जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और हमारा फोन जो है वो रीडिंग पे स्टक रहेगा। ठीक है, तो ये सारी लाइनें जो है वन बाय वन पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। सबसे पहले नहीं, अगर वोल्टेज सब जगह पे बन रहा है तो इसका आगे का स्टेप जो है वो हम देखेंगे। कंपोनेंट है वो देख लेते हैं हम किस लोकेशन पे लगा हुआ है और वहाँ पे जो है हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये कंपोनेंट है C5081, इसको चेक कर लेते हैं हम। ज्यादातर ये सारे कंपोनेंट मैंने ऐसे लिए हैं जिसका ईएमसी के या यूएफएस के आसपास जो कंपोनेंट है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। 1.7856 यानी कि 1.8 वोल्ट है, ये भी सही है। अभी इसके आगे का वोल्टेज चेक करते हैं, ये भी एक 1.8 वोल्टेज की ही लाइन है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये स्क्रू होल के ऊपर की साइड है, यूएफएस के जस्ट नीचे, उसको चेक कर लेते हैं। ये भी 1.8 ओके है, यानी कि ये सप्लाई भी हमारी ओके है। उसके आगे की सप्लाई हम देख लेते हैं जो कि 1.1 या 1.2 वोल्टेज की लाइन है, उसको चेक कर लेते हैं। ये भी उसके करीब ही है, स्क्रू होल के ऊपर है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी 1.1 वोल्टेज जो है वो प्रॉपर आ रहा है, यानी कि इस पे भी हम डाउट नहीं कर सकते हैं, ये वोल्टेज सही है। उसके बाद जो है हमारा 0.6 की लाइन है जो एक्चुअल में दो जगह पे जा रही होती है, हमने देखा था इसको आगे। तो पहले हम एक जगह पे चेक कर लेते हैं, ये कंपोनेंट जो है वो लोकेशन देख लेते हैं उसका, यूएफएस के जस्ट ऊपर है, उसको चेक कर लेते हैं। ये वाला यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं बन रही, यानी कि 0.6 वाला वोल्टेज जो है वो यहाँ पे तो एटलीस्ट मिसिंग है, लेकिन वो दो जगह सेंटर हो रहा है। तो हम दूसरी जगह भी एक बार चेक कर लेते हैं।
देखिए ये यहाँ भी है, सेम वोल्टेज का नाम है, और अगर हम ये साइड पे देखें तो वही वोल्टेज है जो यहाँ पे दो रजिस्टर में शो के आ रहा है। तो इस रजिस्टर का लोकेशन हम फाइंड कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी एक रजिस्टर पे चेक करेंगे पता चल जाएगा। तो इस रजिस्टर का लोकेशन देख लेते हैं हम पहले, इसका लोकेशन जो है वो हाँ UFS के बिल्कुल कोने पे है, दोनों कंपोनेंट पास पास ही है। चलो ठीक है, बढ़िया है, तो दोनों चेक हो जाएंगे। ये दोनों रजिस्टर है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, 00 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये 0.6 की लाइन जो है, जो वोल्टेज है वो यहाँ पे UFS को मिलना चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो एक ये जगह देखी हमने, और दूसरा जो वोल्टेज देखा हमने वो यहाँ पे देखा ये वाला, ठीक है। कुल मिला के ये दो जगह से एंटर हो रहा है, लेकिन दोनों जगह पे हमने चेक किया तो ये कहीं भी एंटर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है और उसको बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस जरूरी है। तो उसको हम ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली जो लाइन है ये कहाँ से आ रही है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जहाँ पे ये लाइन आ रही है, उसके बाद यहाँ पे है, और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आ रही है जो कि ये हमारा CPU है, UCP 4000, ठीक है। तो ये CPU में यहाँ पे आ रही है, कुछ चार कनेक्शन यहाँ पे है, चार कनेक्शन यहाँ पे, यानी कि 8 डॉट पे CPU में भी ये सेम लाइन जो है वो जा रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये और कहाँ पे आ रही है। तो ये तो वही लाइन है जो हमारी UFS वाली है, इसके अलावा ये लाइन जो है वो यहाँ से निकल रही है, यानी कि ये जो है स्विचिंग सप्लाई है जो एक बक कॉइल से यहाँ से आउट हो रही है। और कहाँ कहाँ जा रही है ये पहले हम देख लेते हैं, फिर बाद में उसका बना देते हैं। तो ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई गई है, इस कंपोनेंट पे दी गई है, जिसका दूसरा सिरा जो है ग्राउंड किया गया है यहाँ पे, और ये है इसका वोल्टेज इन, जो यहाँ पे दो पिन दी गई है, A2 और A3 नंबर की पिन, और C1 C2 जो है वो उसका ग्राउंड है B6M का, ठीक है। और ये सप्लाई जो है ये स्विचिंग 6M है जो यहाँ से निकल रही है, यानी कि यहाँ से भी निकल रही है, और इस कंपोनेंट पे भी इसका कैपेसिटर पे इसको दिया हुआ है। और कहाँ कहाँ जा रही है इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ रही है, ये हमारा CPU है, CPU के अंदर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के ये लाइन अंदर दी गई है, यहाँ पे एक 4003 एक रजिस्टर लगा हुआ है, और फिर ये लाइन जा रही है। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे है। तो एग्जैक्टली देखिए, ये जो है यहाँ पे A2 और A3 जो पिन है ये इसका इनपुट है, यहाँ से इसका आउटपुट बन रहा है स्विचिंग 6M से, ठीक है। और ये कंपोनेंट पे ग्राउंड इसका दिया गया है, और दूसरे सिरे पे यही वोल्टेज यहाँ पे सेंस करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये इतनी लाइन है, और ये इसका इनपुट जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये डॉट को हमें फॉलो करना है। अगर आप मेरा कर्सर जो है उसको देख पा रहे हो तो ये दो लाइन जो है A2 और A3, यहाँ से ये वोल्टेज इन हो रहा है, और ये वोल्टेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है हम देख लेते हैं। तो ये वोल्टेज जो है ये VBAT का लाइन है। एग्जैक्टली क्या होता है कि क्वालकॉम के और काफ़ी सारे सेट जो होते हैं सैमसंग के, उसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो VPH का लाइन होता है या जिसको हम V सिस्टम बोलते हैं, उसमें VBAT नाम लिखा होता है। तो बेसिकली ये VPH का लाइन है जो यहाँ पे इनपुट हो रहा है, और जो आउटपुट आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा, जो एक कंपोनेंट पे यहाँ पे दिया गया है। और हमने देखा कि ये CPU में भी जा रहा है एक रजिस्टर के थ्रू, और कुछ लाइनें डायरेक्ट CPU में भी दी गई है, और इसके अलावा ये UFS पे भी जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं एक अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, और फिर हम समझते हैं कि ये लाइन कितनी जगहों पे जा रही है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम इसका ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं VBAT का लाइन, क्योंकि हमारा इनपुट जो है वो बनना जरूरी है, जिसमें एक लगा हुआ है कैपेसिटर, और ये लाइन जो है उसका दूसरा सिरा ग्राउंड हो रहा है, और कैपेसिटर से ही ये सप्लाई जो है वो यहाँ पे जा रही है पावर IC के अंदर, जो कि हमने देखा A2 और A3 दो पिन है जहाँ पे ये जा रहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि उसके बाहर एक कंपोनेंट भी लगा हुआ है, पहले उसको भी हम बना लेते हैं, इसका आउटपुट भी बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें हम, तो इसका आउटपुट जो है वो स्विचिंग 6M, ये B1 और B2 जो दो लाइन है यहाँ से निकल रहा है, और ये यहाँ भी इनपुट हो रहा है एक कैपेसिटर के थ्रू, जो कि कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पे ग्राउंड है, तो सिर्फ यहाँ कैपेसिटर पे दिया गया है। तो उसको बना लेते हैं हम। तो
तो ये स्विचिंग 6M जो हमारी लाइन है वो निकली दो पिनों के अंदर से, उसमें एक दिया गया है फीडबैक और बाकी एक कंपोनेंट पे लाइन आई है लेकिन उसको ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये लाइन बेसिकली आई है जो यहाँ से निकली है, यानी कि ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है, यहाँ से वीबेट आया और यहाँ से ये इनपुट हो गया, कैपेसिटर को फिल्ट्रेशन के लिए ग्राउंड किया हुआ है। फिर यहाँ पे से हमारी स्विचिंग सप्लाई जो है आउट हो रही है, यहाँ से इसका फीडबैक लिया गया है और ये बक कोयल के थ्रू यहाँ से ये सप्लाई निकली है और ये सप्लाई एक कंपोनेंट पे भी दी गई है जो इसके ग्राउंड के साथ मैच हो रहा है, जो इसमें ग्राउंड का लाइन है, जो ग्राउंड का लाइन है। तो हम दे देते हैं C1 और C2, ये जो दो लाइन है ये ग्राउंड के साथ जा रही है। तो ये इतना हमने देख लिया। अब आगे के सर्किट हम समझ लेते हैं कि ये लाइन जो है कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो एक रजिस्टर के थ्रू हमने देखा कि ये लाइन जो है वो CPU के अंदर जा रही है, ठीक है, जो कि 4003 ये एक कंपोनेंट है। इसके अलावा भी हमने देखा कि ये चार जगह पे और जा रही है CPU के अंदर। तो ये इतना कनेक्शन इसका हो गया। अब ये लाइन जो है CPU के अलावा और कहाँ जा रही है, तो ये लाइन जो है UFS के अंदर जा रही है, जिसमें 1, 2, 3 इस तरह से कुछ कैपेसिटर लगे हैं, एक लगा है रजिस्टर और ये लाइन जो है ये जा रही है UFS के अंदर। दूसरा एक रजिस्टर भी उसके साथ लगा हुआ है, यानी कि ये दो रजिस्टर वाली लाइन हो गई जो कि दो पिन पे जा रही है। इसके अलावा हमने देखा कि ये एक और जगह पे भी जा रही है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये लाइन जा रही है VDD Q के लिए। तो कुल मिला के इतनी सप्लाई जो है हमारी है। तो अब हमें चेक क्या करना है, देखिए हमने चेक क्या क्या किया। तो एक तो हमने ये चेक किया, ये लाइन पे, ये कैपेसिटर पे चेक किया, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था। फिर हमने दो रजिस्टर पे चेक किया, तो ये जो वोल्टेज है वो नहीं बन रहा है। अब इसमें संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, तो एक तो आपका वोल्टेज जो है वो यहाँ से नहीं बन रहा है, यानी कि IC से, ठीक है। तो IC से अगर नहीं बन रहा है वोल्टेज, तो फिर हमें इसका इनपुट चेक करना पड़ेगा कि इसको वीबेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर दोनों चीज़ें ओके है, वीबेट भी मिल रहा है लेकिन आउटपुट नहीं बन रहा है, तो हमें उससे IC पर डाउट करना है। लेकिन अगर आउटपुट नहीं बन रहा है और साथ में वीबेट भी इसको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में IC क्या कर पाएगी, यानी कि IC को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो IC वोल्टेज कैसे बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है। इसमें हमको पहले तो हमें आउटपुट के और कंपोनेंट जो है वो एक आध दो हम देख लेते हैं और फिर हम जो टारगेट करते हैं वो इनपुट वोल्टेज पे करते हैं कि यानी कि इसको वीबेट जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उतना चेक करके फिर हम आगे नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये जो 0.6 वोल्टेज जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और कहाँ कहाँ हम इसको चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये CPU की लाइन है, यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट है जिसमें से कोई एक कंपोनेंट पे हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे हमको चेक करना है, तो इसका पहले लोकेशन ले लेते हैं हम कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इसकी बैक साइड में है ये, ठीक है। हम उधर चेक कर लेते हैं और फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये कंपोनेंट की वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये कंपोनेंट पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे का कंपोनेंट देखते हैं, इसमें आगे और कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये लाइन जा रही है लेकिन यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये रजिस्टर एक बचा है जिसको हम चेक कर सकते हैं, तो हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो CPU में लाइन जा रही है, उसको चेक कर लेते हैं, उसका लोकेशन क्या है। बिल्कुल CPU और UFS के बीच में लगा हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे, इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई सप्लाई आ रही है क्या। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरे साइड भी देख लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब कि आउटपुट में कहीं भी सप्लाई नहीं बन रही है। अब इसका एक बार हम इनपुट जो है उसको चेक कर लेते हैं, यानी कि जो इसका वीबेट सप्लाई है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि बक कोयल सैमसंग के मॉडल में आज तक मैंने कभी खराब नहीं देखी है, तो बक कोयल पे तो हमें ज़्यादातर डाउट नहीं है। डाउट IC पे ही लग रहा है, या तो इनपुट नहीं मिल रहा है या IC जनरेट नहीं कर रही है।
तो हम देख लेते हैं पहले एक बार कि हमारी वीवेट सप्लाई जो है वो बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि वो मिलना जरूरी है। तो ये कंपोनेंट है पावर आईसी के बिल्कुल कोने पे, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो वीपैड सप्लाई है वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये बन रही है एकदम सही, एग्जैक्ट वीपैड एंटर हो रहा है, लेकिन आईसी कोई भी आउटपुट नहीं बना रही है। तो अब हमको जो है वो इस आईसी को निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आईसी को एक बार निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कुछ वाटर डैमेज वगैरह है या क्या है। तो ये हम आईसी निकालेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। आईसी के नीचे कुछ ट्रैक जो है वो मिसिंग लग रहा है, थोड़ा क्लियर करके जूम करके फिर हम देखेंगे। यानी हो सकता है ये मोबाइल जो है ड्रॉप डाउन कंडीशन होगी, जिसकी वजह से इसके कुछ पैड जो है वो उखड़ गए हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, हाँ गया हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, अब इसको हम क्लियर करके फिर देखते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। तो दोस्तों देखो, ये जो तीन डॉट है यहाँ पे, ये बिल्कुल पीसीबी से एकदम उखड़ गए हैं। और ये वही लाइन है जो A2 और A3 हमने देखा था, जहाँ से वीबस या वीबैट सॉरी जो इन हो रहा था, वो लाइन जो है वो उखड़ गई है, जिसकी वजह से वीबैट हमारा बाहर कंपोनेंट पे तो दिख रहा था, लेकिन ये अंदर जो जाना चाहिए, देखिए अब दो लाइन दिख रही है। ये पहला डॉट काम का नहीं है, लेकिन बाकी दूसरा और तीसरा जो डॉट है वो डेफिनेटली हमारा इनपुट वोल्टेज है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों अगर इसी तरह का रिपेयरिंग अगर आप सीखना चाहते हो, एक एक लाइन की नॉलेज अगर आपको लेनी है, तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, मोबीटेक के साथ जुड़ सकते हो। और हमारा जो कोर्स है उसमें लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलते रहते हैं, यानी नई नई चीज़ें जो है वो हमेशा हम लोग डालते रहते हैं। तो आपको कहीं भी अपग्रेड होने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने मोबीटेक टीम को ज्वाइन कर लिया तो आपको डेफिनेटली लाइफ टाइम जो है अपडेट मिलते रहने वाले हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए, सिर्फ अगर आपका हैंड स्किल सही है तो आप ऑनलाइन से भी हमारा कोर्स लेके भी आप सीख सकते हो, और अगर आपको हैंड स्किल का इशू है तो आप हमारी ब्रांचेस जो है वहाँ पे आप आके सीख भी सकते हो। तो दोस्तों इस जम्पर को हम लगाएंगे, दो माइक्रो जम्परिंग करनी पड़ेगी हमें, और ये सेट जो है हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। Thank you.
Thank you for the ready. दोस्तों इसी आईसी को हमने रिबॉल करके लगा दिया है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है ये
मोबाइल ओके हो गया है या नहीं, 100% ओके हो गया होगा, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी, जो उसको वोल्टेज मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, जो हमने ओके कर दिया। शायद बैटरी लो है, हम चार्जर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये कम्प्लीटली ओके हो गया है, 1.6 वोल्टेज भी ले रहा है, सॉरी एम्पियर, 5 वोल्टेज और 1.6 एम्पियर, तो ये ऑलमोस्ट ओके हो गया है, कोई डाउट लग नहीं रहा है। अब पूरा एक बार ऑन करके देख लेते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो जो है हम आगे भी डालते रहेंगे और आप लोगों को भी नॉलेज मिलता रहेगा, लेकिन हमारी भी एक रिक्वायरमेंट होती है और ये होती है कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एटलीस्ट आप कमेंट कर दिया करें, ताकि हम लोगों को भी एक हिम्मत मिलती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और उनके भी नॉलेज में जो है वो काफ़ी चीज़ों का फायदा होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक याद रखिएगा मोबीटेक इंस्टीट्यूट को, और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिएगा। एक बार हम इसको पूरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो हमें कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। अभी 0% है, बैटरी थोड़ी हमने चार्ज होने दी है, अब 1% हो गया है। अब इसको एक बार चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया है ऑन। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझे आपको पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझाना था, जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसमें, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस इसी तरह के वीडियो हम आगे भी देते रहेंगे, बस आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों लाइक और कमेंट करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब लोगों को गुड बाय एंड हैप्पी होली।